गुड मॉर्निंग क्लास फाइव। चलिए हिंदी की बुक, हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण की कॉपी निकाल लीजिए। बुक में पाठ 11 अव्यय खोल लीजिए। तो बच्चों ने निकाल लिया, ये अव्यय है। मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसके पढ़ लिए हैं, अब आइए इसके अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास प्रश्न पहला है, इसका मैंने रीडिंग लगा दिया, बोला था अभ्यास मैं कराऊंगी, तो चलिए अभ्यास प्रश्न मैं करती हूँ, हम लोग करते हैं। पहला, सोचिए और बताइए। पहला है मौखिक में सोचिए और बताइए। कक्षा में संवाद बोलिए जिसमें हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, शोक आदि भाव प्रकट हुए हों। ये आपको कक्षा में बोलना है। सेकेंड प्रश्न पे आइए, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो अब आप लोग अपना कॉपी निकालिए, हिंदी व्याकरण की निकाल लिए बच्चों। गुड, तो चलिए हम लोग हिंदी की कॉपी में प्रश्न उत्तर लिखते हैं। निकाल लिए बच्चों, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर, पाठ 11 प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, एक है अव्यय किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि अव्यय किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी इसे पढ़िए और इसको लिखिएगा कॉपी में जैसे मैंने लिखा है। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक। पहले फिर से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक। तो ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। प्रश्न आप लोगों ने लिख लिया प्रश्न उत्तर। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 पे आइए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम बताइए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, समय, रीति और परिणाम संबंधी विशेषता का पता चलता है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या किसे कहते हैं, जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, समय, रीति और परिणाम संबंधी विशेषता का पता चलता है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी इसके 4 भेद होते हैं। यहाँ 4 प्रकार के भी होते हैं, लिख सकते हैं ये इसके 4 भेद होते हैं। मैंने लिखा ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। प्रश्न नंबर जो संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण, मेरे घर के पास एक बड़ा पार्क है। इस वाक्य में के पास संबंध बोधक अव्यय है। विषमादि बोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं, विषमादि बोधक अव्यय हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को प्रकट करता है। जैसे, वाह कितना सुंदर चित्र है। इस वाक्य में वाह शब्द चित्र की सुंदरता भाव को प्रकट कर रहा है। तो ये प्रश्न उत्तर है जो मैंने आपको आपके कॉपी में लिखवा दिया है। इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसे लिखिएगा। ओके बच्चों, और इसको लर्न कीजिएगा। चलिए अब बुक पे आइए, बुक पे प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपका होमवर्क है, HW है। ये आपको अपने से करना, सिर्फ वाक्य बनाना है, तो ये आप अपने से बनाएंगे वाक्य। नीचे दिए वाक्य क्रिया विशेषण है या विशेषण पहचान कर लिखिए। तो ये मैंने, ये सब मीठा है, विशेषण, अंदर बहुत सर्दी है, विशेषण, आज बहुत वर्षा हुई, क्रिया, बस हुई, इतना मत बोलो, क्रिया, मूसलाधार वर्षा हो रही है, क्रिया। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विषमादिभाव द्वारा कीजिए।
मेरा हाथ कटा है, ओह मेरा हाथ कटा है, इतना बड़ा सा, बाप रे बाप इतना बड़ा सा, अरे शर्मा जी आप कब आए। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। वाह कितनी ठंडी हवा चल रही है, आह सिर में बहुत दर्द है। प्रश्न मछी उचित समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ वाक्य शब्द दिए हैं, इसे वाक्य को पूरा करना है। वह ध्वनि अवश्य है लेकिन है कंजूस। तुम घर में मराठी बोलते हो या गुजराती? मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा पर वह नहीं आया। ध्यान से चलो वरना गिर पड़ोगे। दुर्योधन और कर्ण में घनिष्ठ मित्रता थी। प्रश्न नंबर 7। रंगीन शब्दों के सामने उसके शब्द भेद लिखिए। तुम्हारे मकान के सामने किसका पेड़ है? संबंध वधक। मैंने उसे बहुत बुलाया परंतु वह नहीं आया। समुच्चय बोधक। यदि बादल आते तो वर्षा होती। समुच्चय बोधक। हमारे कार्यालय के बाहर चाय की दुकान है। संबंध बोधक। आइए कुछ करें। तो नीचे दिए गए शब्द जाल में से 7 क्रिया विशेषण शब्दों को ढूंढकर लिखिए। आपको इसको अपने से ढूंढकर करना है। देखिए मैंने कर दिया है। लेकिन थोड़ा कम, किंतु आगे बहुत बाहर। इस तरह से आप अपने बुक में इसे कीजिएगा पूरा फिल, इसे भरिएगा। इसके प्रश्न उत्तर मैंने जैसे अभी आपके कॉपी में लिखवाया उस तरह से अपनी कॉपी में इसे लिखिएगा। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।